हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रेफाइट इंडिया के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 24 मई 2023 के लिए। तो चलिए जाते हैं सीधा हमारे चार्ट में। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स से दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले ग्रेफाइट इंडिया में यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन ग्रेफाइट इंडिया में हमें देखने मिला है एक नेगेटिव मूव, वो भी यहाँ पे 3.30% का 329.95 पे क्लोजिंग देखने मिल रही है। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसे नेगेटिव मूवमेंट रहने वाले या फिर कोई पॉजिटिव मूवमेंट आने वाले, उस बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आपका कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर आपको मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे आज के क्लोजिंग बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है, जरूर हमारा ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए जाते हैं वनडे के चार्ट में, बात करते हैं आने वाले दिनों में क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वनडे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। मैं बात करूँ वॉल्यूम की, एवरेज सा वॉल्यूम देखने मिला है। कैंडल यहाँ पे स्मॉल टू मीडियम साइज की बनी है। नीचे इस साइड में बारीक से वीक देखने मिल रही है। आरएसआई की बात करें तो 57-58 के आसपास आ चुका है, जो हमें यहाँ पे जरूर एक स्लाइड नेगेटिव मूवमेंट का इशारा देता है। लेकिन याद रखना आरएसआई हो या फिर कोई और इंडिकेटर, सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, कई और सारे फैक्टर्स होते हैं, उसे भी हमें जरूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। अब रही बात मेरे ओपिनियन की स्टॉक में आने वाले दिनों के, तो आने वाले दिनों के लिए स्टॉक में मेरा ओपिनियन यहाँ पे जरूर एक नेगेटिव मूव है एक्सपेक्टेड है। स्टॉक में डाउन साइड जो 324 के आसपास देखने में, उसको भी क्रॉस कर देगा तो स्टॉक में डाउन साइड जो हमें इजिली 315 तक आते हुए देखने मिल सकती है। बाकी आपको यहाँ पे क्या लगता है स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है वो आप जरूर हमें कमेंट करके बताना। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ स्टॉक में ट्रेंड जो है यहाँ पे जरूर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ट्रेंड में मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा इंट्राडे में जितना हो सके बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, क्योंकि वहीं पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में होगा, वहीं पे हमें प्रॉफिटेबिलिटी देखने मिलेगी। बाकी आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या हो सकता है वो आप जरूर हमें कमेंट करके बताना। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए लेवल्स यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग करनी तो स्टॉक अभी भी आपको जो है अराउंड 310 के आसपास आते देखने मिले और दो दिन तक सस्टेन करते देखने, तब वो वहाँ पे बाइंग करें वहाँ से आपको 5-10% का इजीली अपसाइड मूव जो है 10-15 ट्रेडिंग डेज के अंदर आते हुए देखने मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग के लिए करंट प्राइस में रेकमेंड नहीं करूंगा, मैं तो कहूंगा स्टॉक आप आराम से गिरने दे। स्टॉक कभी भी आपको जो अराउंड वापस से 259.5 के आसपास जाते हुए देखने में जरूर जब वहाँ पे बाइंग करें, बहुत ही बढ़िया बाइंग का लेवल, क्योंकि लॉन्ग टर्म का लेवल है तो 100% कैपिटल नहीं डालने, 20-25% तक का कैपिटल डाले, बाकी का कैपिटल आप होल्ड करके रखें। जब भी एडिशनल डाउनफॉल आपको 10-20% का देखने मिले तब आप वहाँ पे एडिशनल बाइंग करें। याद रखना एडिशनल बाइंग आपको हेल्प करेगा अपना बाइंग एवरेज प्राइस को जो कम करने में, और जितना बाइंग एवरेज प्राइस आपका लॉन्ग टर्म के लिए कम होगा उतना ही बढ़िया प्रॉफिट आपको लॉन्ग टर्म में देखने मिलेगा। बाकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर दे दिया, आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए वन आर के चार्ट में बात करते हैं कल के दिन क्या देखने मिलने वाला। तो यहाँ पे वन आर का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, यहाँ पे इस रेंज में जो हमने स्टॉक का कोई भी एनालाइज नहीं किया था, तो हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जरूर जो है यहाँ पे मार्क करने होंगे। तो जो भी मैं यहाँ पे सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो मार्क कर रहा हूँ, मैं चाहूंगा आप भी जो सेम टू सेम अपने चार्ट पे मार्किंग्स कर ले, क्योंकि ये मार्किंग जो बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करेगी अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो खास करके मेंटेन करने में। तो जरूर जब सेम टू सेम अपने चार्ट में मार्किंग्स कर ले। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो वो ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अब हमारी मार्किंग जो कंप्लीट हो चुकी है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं जूम कर लेता हूँ फिर हम बात करेंगे इसके क्लोजिंग के। तो यहाँ पे अगर आप चाहे तो हमारे इस वीडियो को पॉज करके अपने चार्ट में भी जो सेम टू सेम मार्किंग जो वो कर सकते हैं। तो अब मैं बात करूँ क्लोजिंग की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 329.95 के आसपास क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है 327.30 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 330.75 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक हमारा क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो एड किया उसको आप जरूर देख ले, वहाँ पे मैंने आपको हर एक चीज समझाई है। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले इंपॉर्टेंट आपको जो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो आपको बता देता हूं। तो डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 323 का, उसके बाद क्या था 321 का। डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 333 का, उसके बाद क्या था 336 का। यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आपको बताया जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो जो अपना यहाँ पे कल के दिन का ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कल के लिए कहूँ तो मेरा ओपिनियन स्टॉक में जरूर पॉजिटिव क्लोजिंग है। 330 से लेकर 333.95 के रेंज में हमारी क्लोजिंग की एक्सपेक्टेशन है। बाकी यहाँ पे आज के दिन अर्निंग जो रिलीज हुई थी थोड़ा सा यहाँ पे जो है
नेगेटिव इम्पैक्ट अगर यहाँ पे अर्निंग्स में देखने मिला है तो थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ पे चल सकता है, लेकिन आज के क्लोजिंग के बेसिस से चार्ट वाइज यहाँ पे जरूर मेरा जो ओपिनियन कल के लिए पॉजिटिव क्लोजिंग का है। आपको क्या लगता है कल के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।